चलिए नमस्कार प्यारे साथियों मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेत में दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और अगली दिवाली पर आप सभी वर्दी में अपने घर जाएं यही मेरी आप सभी की सभी को दुआएं हैं है ना एक शिक्षक का यही आप सभी के लिए प्यार है तो दोस्तों हम बिना किसी देरी के साथ आज की कक्षा का आगाज करते हैं पहला प्रश्न है है ना जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पर बीज तो आते हैं लेकिन फ्लावर नहीं आते पुष्पाराज सुना है ना वो कौन से होते हैं इनमें से वो कौन से हैं बीज हैं लेकिन पुष्प नहीं है इनमें एक ऐसा भी है जिसपे पुष्प भी होता है और बीज भी होते हैं ना? तो प्लांट ऑन विस सीड आर फॉर्मड बट फ्लोवर डू नॉट फॉर्म मतलब बीज बने लेकिन क्या नहीं बना बहुत बढ़िया बहुत शानदार आ जाइए जिनके जवाब बी आ रहे हैं जिनके भी जवाब बी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं मेरे दोस्त जिम्नोस्पम ऐसे प्लांट्स के ग्रुप होते हैं जिनके अंदर है ना बीज तो हैं इनमें सीड बनेंगे क्या बनेंगे सीड लेकिन क्या नहीं होता फ्लोवर नहीं होते तो ये पॉइंट ध्यान रखना लेकिन आवृत बीजियों में इनमें पुष्प भी होगा क्या होगा पुष्प होगा लेकिन साथ में क्या होते हैं बीज भी होते हैं बीज भी बीज भी होते हैं। तो दोनों चीजें किन में होगी पुष्प भी अगर पूछ लेता ये प्रश्न अगर ऐसा होता कि पुष्प होते हैं और बीज भी होते हैं तो आवृत बीज और ब्रायोफाइटा मेरे दोस्त ना तो इनमें सीड मतलब बीज होगा इनमें बीज नहीं होते इनमें फल मतलब फ्रूट भी नहीं होते तो इनमें फ्रूट भी नहीं होंगे तो इनमें फ्रूट भी नहीं होते ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इनके अंदर है ना इनके अंदर और क्या नहीं होता तो मेरी दोस्त अभी के लिए तो इतनी चीजें ध्यान रखना कि बीज और फल या फ्रूट नहीं होते और इनमें पुष्प भी नहीं होता है ना पुष्प नहीं होगा है ना फ्लावर भी नहीं होगा तो अगर प्रश्न की भाषा बदले तो इनके जवाब भी बदल जाते हैं जिंदाबाद अगला प्रश्न पौधों में जल का परिवहन कौन करता है आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट होता है उस प्लांट के लिए पानी की क्या अहमियत होती है पौधे के लिए पानी की बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि वो एक जगह पर खड़ा रहता है और पानी से ही और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिलाकर के वो क्या करता है मेरी दोस्त है ना बिल्कुल सही राइट right आंसर आ गए हैं आपके तो वो ऊर्जा निर्माण करता है तो पानी का परिवहन कौन करता है ज़ाइलम करता है अगर कल को प्रश्न ये ये पूछ ले कि जो ज़ाइलम होता है ना ये क्या करता है ये पानी के साथ साथ, के साथ, साथ? पानी के साथ साथ ये खनिज का भी परिवहन करता है पानी और खनिज का परिवहन कौन करता है तो वो जाइलम करता है दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो जाइलम होता है ये गुरुत्वाकर्षण के ग्रेविटेशन फोर्स के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है, है तो वो जमीन से पानी लेकर के पौधे में कहा पहुंचाता है ऊपर की ओर कहाँ पहुंचाएगा ऊपर की ओर ग्रेविटेशन फोर्स कहां लगता है नीचे तो अपोजिट काम कर रहा है कि नहीं क्या सर बिल्कुल कर रहा है और पौधे कौन से जल का उपयोग करते हैं तो याद रखना पौधे कैपिलरी है ना कैपिलरी वाटर हिंदी में बोलते हैं केशिकत्व केशिकत्व जल का उपयोग करते हैं जल का उपयोग करते हैं तो पौधे कौन से पानी का उपयोग करते हैं केशिकत्व जल का उपयोग करते हैं <laughs> चलिए फ्लोएम मेरे दोस्त अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम का मेन काम क्या होता है फ्लोएम का काम होता है फूड और हार्मोन्स का परिवहन करना तो फूड और हार्मोन्स का परिवहन कौन करता है तो वो कौन करता है फ्लोएम करता है अगर मैं फ्लोएम के बारे में दूसरा पॉइंट आपको बताऊं तो ये गुरुत्वाकर्षण के साथ काम करता है गुरुत्वाकर्षण के साथ काम करता है क्यों क्योंकि मेरे दोस्त पौधा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाता है तो कहां पर भोजन बनाएगा ऊपर की ओर तो ऊपर से कहां आएगा नीचे ग्रेविटेशन फोर्स भी रहा है नीचे तो साथ साथ काम कर रहे हैं ना कि सर बिल्कुल तो एक बार प्रश्न ये आया था एक बार प्रश्न ये आया था कि ग्रेविटेशन फोर्स के साथ कौन सा उत्तर का काम करता है तो ये चीज ध्यान रखना चलिए आ जाइए बिल्कुल करवाएंगे दोस्त धान का खेरा रोग लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है आप सभी जानते हैं कि धान का खेरा रोग किससे होता है जल्दी से प्रश्न क्रमांक तीन का जवाब देंगे प्रश्न क्रमांक तीन का जवाब देंगे इसका पीडीएफ एप्लीकेशन में मिलेगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन किससे होता है जस्ते की कमी से तो जिंक की कमी से कौन सा होता है धान का खेरा रोग है ना तो धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है तो धान का खेरा रोग किससे होता है जिंक की कमी से होता है धान मतलब चावल होता है एक प्रश्न ये आता है कि जो धान के खेत होते हैं धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है खेत से कौन सी गैस निकलती है है ना तो अगर ये प्रश्न अगली बार आए तो ध्यान रखना सी एच फोर कौन सी निकलती है मैथेन धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है मैथेन है अगर आपसे यह पूछा जाए बताइए कि पॉलिश पॉलिश चावल पौलिश चावल से कौन सा रोग होता है अगर आप पॉलिश चावल है ना खा रहे हो तो कौन सा रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा है तो मेरे दोस्त पॉलिश चावल में विटामिन नहीं होगा तो आपको जो संभावनाएं होंगी वो बेरी बेरी रोग होने की होंगी ठीक है तो इस पॉइंट को मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है इसीलिए अक्सर जो बिहार वाला बेल्ट है पश्चिम बंगाल वाला बेल्ट है साउथ इंडिया का बेल्ट है वो पॉलिश किया हुआ चावल मतलब बासमती राइस खाना पसंद नहीं करता वो नॉर्मल चावल खाता है जो अपने खेतों में वो उगाते हैं वो वाला और वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है पौष्टिक होता है ध्यान रखिए भले वो दिखने में अच्छा नहीं है लेकिन वो पौष्टिक होता है शरीर के लिए अच्छा होता है है ना तो बड़े बुजुर्ग कहके गए ना ये चावल अच्छा नहीं होता वहां के बड़े बुजुर्ग कह देते हैं देखो कितना आइडिया है उनको अगला कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है ना इसके बारे में आपको बताना है राइबोसोम इस राइबोसोम की जो खोज की थी वो की थी पेलेडे ने किसने की थी पेलेडे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्या कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री क्योंकि प्रोटीन का निर्माण यही करता है ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है कोशिका का सबसे छोटा सबसे छोटा कोशिकांग तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी इसे कहा जाता है अधिकतर बच्चे ए बता रहे हैं कौन सी रचना जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका को अलग करती है बताइए राजन जी ठीक है कविता कुमारी रजनीश बेटा आप सबके जवाब सही है जिनके मैंने अभी नाम लिए ठीक है आ जाइए सेंट्रियोल राइट आंसर होगा सेंट्रियोल जो सेंट्रियोल होता है जो सेंट्रियोल होता है वो पाया जाता है मुख्य रूप से एनिमल सेल में किसमें एनिमल सेल में लेकिन प्लांट सेल में नहीं होगा ध्यान रखना राइबोसोम होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं क्या कहते हैं पावर हाउस किसका कोशिका का तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं जो सेंट्रियोल होते हैं इसे हिंदी में तारक काय कहते हैं क्या कहते हैं तारक काय तो तारक काय इसे हिंदी में कहते हैं इसकी जो खोज है तारक मेहता में बावरी आती है केसर बिल्कुल आती है तो बावेरी के द्वारा की गई तो खोज किसने की बावेरी ने है ना कहाँ पर काम किस लिए आता है तो ये सेल डिवीजन के समय कोशिका विभाजन के समय मदद करता है कोशिका विभाजन में मदद करता है चलिए चलिए, है ना? जिन बच्चों को सेंट्रोमियर में कंफ्यूजन हो रहा है मैं बता देता हूं ठीक है ये गुणसूत्र होता है ये क्या होता है गुणसूत्र और गुणसूत्र के बिल्कुल बीचों बीच ये वाला जो स्थान होता है इसे ही कहते हैं सेंट्रोमियर है ना तो गुणसूत्र के मध्य वाला स्थान गुणसूत्र को जोड़ने वाला स्थान क्या कहलाता है सेंट्रोमियर कहलाता है तो गुणसूत्र तो प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं ठीक है चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे कि जो एडवर्ड जेनर हैं, वो किससे संबंधित हैं किस रोग से जुड़े हुए हैं ठीक है ठीके? बहुत बेहतरीन ये तो बिल्कुल राइट है चेचक है ना स्मॉल पॉक्स तो चेचक का टीका किसने बनाया था एडवर्ड जेनर ने बनाया था तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे कि कीट में कितने जोड़ी टांग होती है इंसेक्ट इंसेक्ट या जो कीट होते हैं यह संग आर्थोपोड़ा में आते हैं संघ आर्थोपोड़ा में आते हैं ठीक बहुत बेहतरीन है ठीक है राइट आंसर आ रहा है ये सी है ना ई नहीं है आ जाइए तो जिन में थ्री पेयर ऑफ फूट जिनमें तीन जोड़ी टांग होती है कितनी तीन जोड़ी टांग होती है मतलब टोटल तो टोटल छह टांगों का मतलब है कि वो क्या है मेरे दोस्त वो इंसेक्ट है इंसेक्ट मतलब कीट है लेकिन मकड़ी इंसेक्ट नहीं है मकड़ी में चार जोड़ी टांग है कितनी है चार जोड़ी टांग है तो जिसमें चार जोड़ी टांग मतलब टोटल कितनी हो गई आठ हो गई तो टोटल कितनी हो गई आठ है।, है ना तो ये क्या है इंसेक्ट नहीं है इंसेक्ट या कीट नहीं है बाकी कीट की पहचान होती है, जिससे मच्छर उसमें तीन जोड़ी टांग होती है ठीक है मक्खी मक्खी में तीन जोड़ी टांग होती है मकड़ी में चार होती है आ जाइए था निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है तीन तरह के स्तनधारी होते हैं कितने तरह, तरह के तीन तरह के पहले आप ये ले लो फिर मैं अगली स्लाइड लूंगा आर्थोपोड़ा का ब्लड संपूर्ण जीवों का नीला नहीं होता नीला रक्त जो होता है वो मुख्य रूप से किसका होता है तो ऑक्टोपस का होता है चलिए ऑक्टोपस का होता है आर्थोपोड़ा नहीं ऑक्टोपस जिसे आप डेविल फिश कहते हैं ठीक है ठीके? अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है चलिए चलिए जिन बच्चों के डी जवाब है वो बिल्कुल सही है ठीक है ध्यान रखना ये सब बच्चे को जन्म देता है ये भी बेबी को जन्म देगा वेल भी बेबी को जन्म देता है आइए से समझाता हूं आपको ठीक है स्तनधारी मेमल्स तीन तरह के मेमल्स होते हैं कितने तरह के तीन तरह के नंबर एक पर जो आते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटोथीरिया क्या कहते हैं प्रोटोथिरिया नंबर दो पर जो आते हैं उन्हें कहते हैं मैटाथीरिया क्या कहते हैं मैटाथीरिया और नंबर तीन पर जो आते हैं उसे कहते हैं यू है ना ऐसे स्तनधारी ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं ये क्या देते हैं अंडे एक देते हैं क्या सर स्तनधारी भी अंडे देते हैं बिल्कुल ये अंडे देते हैं मेटाथीरिया ये अपरिपक्व अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं ना? ऐसे बच्चों का विकास फिर उनके आगे पाए जाने वाले थैली में होता है जिसे मार्सुपियल बेग कहते हैं ठीक है हाँ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं एक पर लिखा है पर्णिल चीटीखोर एक पर लिखा है कंटीला चिटीखोर ठीक है ध्यान रखना ठीक है आ जाइए ठीक है आ जाइए आओ इधर और एक होते हैं यूथिरिया ये स्तनधारी बच्चे देते हैं ठीक है बच्चे देते हैं अब ऐसे मेमल्स कौन कौन से हैं जो अंडे देते हैं पहला आता है डकबिल प्लेटिप क्या आता है डकबिल प्लेटिपस एक आता है मोनोट्रीमा और एक आता है एकडिना ये तीन एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं और इन्हीं में से एक कौन सा है कंटीला चिटीखोर अपरिपक्व बच्चे को जन्म देने के मामले में जो राइट आंसर होता है वो होता है कंगारू है ना और ऐसे बच्चों का विकास है ना उनकी धानी धानी में या मार्सुपियल बेग बेग में होता है ना कंगारू के आगे यहां पर एक थैली होती है उसे धानी या मार्सुपियल बेग कहते हैं जिसके अंदर उसका बच्चा होता है ठीक है चलिए नंबर तीन पर आते हैं यूथ है। या बच्चे को जन्म देते हैं इसके अंदर चमगादड़ ना ब्लू वेल मानव डॉल्फिन बंदर ये सब इसमें आते हैं ठीक है दोस्त ओके आ जाइए अगले प्रश्न का जवाब देंगे मानव शरीर में पाई जाने वाली पसलियों की संख्या कितनी होती है जो चेस्ट होता है ना यहाँ पर पसलियां पाई जाती हैं तो इन पसलियों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है वो जीव का नाम है जैसे हम मानव है ना वैसे उस जानवर का नाम है उसका मतलब कुछ नहीं है जानवर का नाम है वो ठीक है आइएगा बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन बारह जोड़ी कितनी होती है बारह जोड़ी कल को ये पूछ ले कि टोटल कितने होते हैं तो टोटल रिप्स कितनी होती हैं चौबीस होती हैं कितनी होती हैं चौबीस और ये आगे आगे किस बॉन से जुड़ी होती है बॉन से जुड़ी होती है? है ना तो यहां पर चेस्ट में जो आगे बोन पाई जाती है उसे कहते हैं स्टर्नम क्या कहते हैं स्टर नम कहते हैं क्या कहते हैं है ना स्टर्नम कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं स्टर्नम कहते हैं एक से सात जोड़ी सात जोड़ी तक है ना पहला पॉइंट आठ से बारह जोड़ी तक और एक होता है ग्यारह एवं बारह जोड़ी इन पसलियों से भी प्रश्न अंदर डीप पूछते हैं तो एक से सात तक की को बोलते हैं ट्रू ट्रूरिप्स क्या बोलते हैं ट्रू ट्रूरिप्स सत्य पसलियां क्या बोलते हैं सत्य सत्यपसली तो सत्य पसलियां की संख्या कितनी है कभी पूछ सकते हैं तो एक देखो स का मतलब सात और स से सत्य होता है आठ से बारह को बोलते हैं असत्य पसलियां असत्य पसली क्या कहते हैं असत्य पसली की संख्या कितनी है तो ये चीज ध्यान रखना असत्य पसलियों की अस संख्या कितनी है अरे आगे जो स्टर्नम से आके जुड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं सत्य पसलियां ओके है ना ग्यारह और बारह जोड़ी को इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिप्स फ्लोटिंग रिप्स है ना तैरती हुई पसलियां तैरती हुई पसलियों की संख्या कितनी होती है तो यह चीज ध्यान रखना है ना तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग चलिए जो स्टर्नम से जुड़ जाती है जानवर हैं गूगल करके देख लेना आपको इन जानवरों के फोटो मिल जाएंगे ठीक है आ जाइए दोस्त प्रश्न क्रमांक नौ का जवाब देंगे शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि अब एंजाइम पाचन तंत्र में होते हैं कहां होते हैं पाचन तंत्र में होते हैं दोस्त ठीक हा, है हाँ रिकॉर्डेड क्लास है ठीक है क्या है रिकॉर्डेड पहले रिकॉर्ड करते हैं फिर लाइव करते हैं कैसे प्राणी हो यार तुम आपके प्रश्न का जवाब नहीं मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, आपके उठ पटांग प्रश्न रिकॉर्डेड क्लास ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन आंसर लगाओ ना यार फालतू की क्यों चीजें कर रहे हो रिकॉर्डेड है ये है आओ इधर आंसर लगाओ चलो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते एंजाइम से हमें ऊर्जा नहीं मिलती मेरे दोस्त ये तंत्रिका क्रियाओं तंत्रिका से क्या लेना देना ये शरीर की रचनात्मक रचना करते ही नहीं है ये जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक उत्प्रेरक का मतलब होता है catalyst, बिल्कुल है एंजाइम किसी क्रिया को तेज कर देते हैं लेकिन उस क्रिया में भाग नहीं लेते मुख्य रूप से कहां पर होते हैं पाचन तंत्र तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से उत्प्रेरक का, का काम करते हैं कैटलिस्ट का, का काम करते हैं एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं तो एंजाइम प्रोटीन है क्या है प्रोटीन है तो प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप चलिए सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की जवाब दीजिए चलिए कमेंट एंजाइम प्रोटीन होते हैं बहुत बेहतरीन मैं हटी इसलिए गया था मैं यहां खड़ा ही नहीं था क्योंकि मैं खड़ा होता तो कुछ ना कुछ बोलता अब हुआ क्या आप जा रहे हो स्टीनर के पास ठीक है और इन भाई साहब ने खोज की है ब्लड ग्रुप की काई को खोजा ब्लड ग्रुप को पूछा था रक्त परिसंचरण रक्त परिवहन तंत्र तो रक्त परिवहन तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की है किसने की है विलियम हार्वे कैसा रहा प्रश्न ये चलिए अगला निम्न में से कौन सी शर्करा तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है ना एनर्जी के लिए तत्काल ऊर्जा के लिए क्या पिया जाता है अरे मुझे सॉरी मत बोलो सॉरी डी आएगा एग्जाम में ध्यान रखना एग्जाम में ध्यान रखना ठीक है चलिए बहुत बेहतरीन डी ग्लूकोज किससे मिलती है ग्लूकोज ऑप्शन में ना हो ऑप्शन में ना हो तब कार्बोहाइड्रेट अगर ऑप्शन के अंदर ग्लूकोज ना हो तो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट होगा क्योंकि ग्लूकोज भी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है क्या होता है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है है ना ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है तो तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है ग्लूकोज से मिलती है जिसे आप सी सिक्स कहते हैं इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है चलिए है ना बच्चे पेपर है तेरा मेरे हालचाल पूछ के क्या करोगे आप <laughs> बेटे ये एक बच्चा आया बीच में ये सोच रहा होगा कि दो चार टीचर की रील वायरल करिए ऐसे हमारी करेंगे कुछ भी बुलवा के नहीं हो पाएगा बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना वहां प्रिंसिपल है हम आओ इधर निम्न में से कौन दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है चलिए आ जाइए इस दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है कौन है हमिंग बर्ड है ना आपको एक चीज जानकारी और दे देता हूं ये केरल का स्टेट बर्ड है और कल को ये पूछ ले कल को यह पूछ ले सबसे बड़ा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है अगर यह प्रश्न पूछेंगे तो क्या जवाब लगाओगे ठीक है सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है तो ध्यान रखना ऑस्ट्रीच शुतुरमुर्ग बताऊंगा फिर चलो अगला निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है अब किसी काम का नहीं है काम का नहीं है ऐसे अंग को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं अवशेषी अंग कहते हैं क्या कहते हैं अवशेषी अंग चलिए, डी अपेंडिक्स क्या हो जाएगा अपेंडिक्स है ना मानव अब सेल्यूलोस का पाचन नहीं कर सकता पाचन नहीं करता नहीं करता है इसलिए यह में किसी काम का नहीं है अपेंडिक्स यह उन जानवरों में यह उनमें विकसित होती हैं जो सेल्यूलोस का पाचन करते हैं जैसे गाय भैंस तो ये अब हम में किसी काम की नहीं है ठीक है ये हम में अब किसी काम की नहीं है चलिए अगला ठीक है कान के पर्दे के किसी भी तरफ दाब को बराबर करने के लिए कौन सहायक होता है मेरे दोस्त हमारे कान में तीन हड्डियां होती हैं मेलियस इनकस और एस्टेपीस जिन्हें आप ईयर बोन कहते हैं है ना तो ईयर बोन कितनी है तीन मेलियस इनकस और एस्टेपीस ये हड्डियां होती हैं एक दो और तीन मैंने आपको एम आई एस मिस से याद भी करवाया मेलियस इनकस और एस्टेपीस ये तीन हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं मुझे पता है अब मैंने हड्डियों के नाम लिख दिया तो आप यही चेपोगे हड्डियां है ही नहीं इसका नहीं इसका आंसर आंसर ठीक है है हड्डियां ही नहीं फिर आप जाओगे कर्णावती से कर्ण पर क्योंकि दिमाग लगाओगे अपना कर्णावती से कर्ण पे जाओगे क्योंकि हमें पता है कब कभ, कभी कल को पूछ ले महंकालेश्वर कहा है नहीं पता हो तो अंकलेश्वर पीछे का स्वर स्वर दिया मैच करके आपने ठीक है आ जाइए वो तो मैंने हड्डियां बताई तुम यही मेलियस ठोक मारा तुमने तो? तो? कतई तेज बुद्धि है तुम्हारी ट्यूब कौन सा होगा युस्टे की ट्यूब ध्यान रखना है ना ये नली होती है ये अंदर कान में जो नली जा रही है ना एक अंदर एक घुमावदार नली होती है वो नली क्या करती है वो नली क्या करती है जो हमारा साउंड जाता है तो उस साउंड के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है उस ट्यूब का नाम है ठीक है यूस्टेशियन, है ना युस्टी शियन हो गया शियन बोलते हैं उसको यूस्टेशियन ट्यूब ठीक है ना, कुछ तो हम मैं अलग चीज बता रहा हूं तुम वही ठोक दिए ऐसा थोड़ी होता है तुमको किसी को नामकरण करने के लिए बुलाया आ जाइए आ जाइए बच्चे का नामकरण करना है तुम पहुंचे तुम बच्चे का नाम करण रख के आ गए अरे नामकरण में बुलाया है इसका मतलब ये थोड़ी बच्चे का नामकरण रख दोगे आइए मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है मयूर मतलब मोर होता है मयूर का वैज्ञानिक नाम बताना है जल्दी से चलिए पंद्रह का बी बता रहे हैं बहुत बेहतरीन है। ये पता भी होना चाहिए क्योंकि हमारा नेशनल बर्ड है ना पाबु क्रिस्टेटस देखो किसी ने मोर का स्टेटस लगाया हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो तो तुम उसे क्या कहोगे तुम उसे क्या कहोगे मेरे दोस्त तो आप कहोगे वाव स्टेटस तो वाव को क्या कर देना वाव स्टेटस से याद रख लेना पावो वाव को पावो वाव और क्री क्री हटा दो बचेगा क्या स्टेटस कितना अच्छा मयूर का स्टेटस है वाव स्टेटस चलिए आइए सोनार में हम उपयोग करते हैं सोनार एक मेथड है तो इस सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है चलिए आधे तो पढ़ने ही नहीं आते मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के इनके कमेंट चल रहे हैं ये वास्तविकता में अपनी नौकरी से मोहब्बत करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए तैयारी कर रहे हैं शायद लोगों को कि हाँ हम पढ़ रहे हैं चलिए जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से क्या आएगा सोनार का उपयोग क्यों करते हैं सी अधिकतम जवाब आ रहे हैं ठीक है जो सही भी है क्या हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव मेरे दोस्त सोनार सिस्टम का यूज करते हैं ध्वनि का उपयोग कर दुश्मन को पकड़ने में कि सर दुश्मन को पकड़ने में कैसे जैसे मान लीजिए अगर वो वायुयान से आ रहे हैं तो रडार में आएंगे वो जलयान से आ रहे हैं तो रडार में आएंगे वो अगर मान लीजिए सबमरीन से आ रहे हैं तो रडार में आएंगे क्योंकि ये सब चलेगी तब कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है ध्वनि क्या है एक प्रकार की ऊर्जा है कंपन है तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा ठीक है तो अल्ट्रासोनिक श्रव्य ध्वनिया जिन्हें हम सुन सकते हैं बीस हर्ट से बीस हजार हर्ट तक होती हैं। ठीक है, है।, है उसका नाम आपको बताना है चलिए क्रोनोमीटर एनिमोमीटर ठीक है ऑडियोफोन ऑडियोफोन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सीधी सी बात है फोन आ गया इसमें पीछे तो ये तो सीधी सी बात है माध्यम हो जाएगा मीडियम हो जाएगा बात बात करने का ये तो मीडियम हो गया माध्यम हो गया तीन चीजें हैं क्रोनोमीटर एनिमोमीटर ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं जिन बच्चों के डी आ रहे हैं ऑडियोमीटर है ना और ऑडियोमीटर तो है लेकिन तीव्रता को मापते काई में है तो कल को अगर ये प्रश्न पूछ ले कि यूनिट क्या है तो डेसिबल ध्वनि को मापने की यूनिट क्या है डेसिबल क्या है डेसिबल डब्ल्यूएचओ की माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो 45 डेसीबल है ना एक स्वस्थ शहर का एक स्वस्थ शहर का ध्वनि है तो स्वस्थ शहर के लिए जो ध्वनि होती है वो कितनी होती है 45 डेसीबल की तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि दिखावा करते हैं मेरे दोस्त क्लास चल रही है जवाब देने की बजाय ऊपर वाले से पूछेंगे तुम कहाँ से हो तो फोकस पढ़ाई पर थोड़ा ही है जिनके सीने में आग होती है ना सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनके सीने में आग होती है सिलेक्शन उन्हीं का होता है बाकी नहीं तो दिखावा ही कर रही है हम तो एक ही चीज मानते हैं सीने में आग है तो सिलेक्शन है अगला निम्न में से किसे द्वारा मापा जाता है एनिमोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है क्या उससे हवा का बल मापा जाता है पानी की गहराई मापी जाती है जल प्रवाह मापा जाता है प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है बताइए क्या मापा जाता है हट गया प्रश्न से वेरी गुड ठीक है क्या आएगा फोर्स ऑफ द विंड हवा का बल नापा जाता है है ना मेरे दोस्त जो गहराई है पानी की वो फैदोमीटर से मापते हैं का से फैदोमीटर है ना और दूरी अगर समुद्र में मापते हैं वो नॉटिकल माइल्स से मापते हैं का से नॉटिकल माइल्स अगला प्रश्न संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण संवहन का मतलब होता है है ना कि एक जगह पर कोई चीज रखी हुई है और दूसरी जगह से वो गर्म हो जाए उसे संवहन कहते हैं स्थानांतरण हो सकता है ठोस और तरल में ठोस और निर्वात में गैस और तरल में संवहन का मतलब अगर मैं बता दूंगा तो आप आंसर ही दे दोगे इसलिए मैं इसका मतलब नहीं बता रहा चलिए चलिए आ जाइए गैस और तरल पदार्थ किसमें गैस और तरल पदार्थ है ना सबसे ज्यादा संवहन का जो गुण होता है वो गैसों में होता है के सर कैसे जैसे इस कमरे अंदर कोई परफ्यूम लगाएगा ना तो पूरे कमरे में फैल जाएगा तो सम्वहन का गुण सबसे ज्यादा गैस में आप इसको ऐसे समझ लो कोई सब्जी सब्जी रखी हुई है है ना अगर वो जैसे आलू की सूखी सब्जी अगर वो खराब हो गई तो नाक के पास लाना पड़ेगा सूंघने के लिए खराब हुई कि नहीं के सर बिल्कुल लेकिन वो लिक्विड में हो तो इतनी दूरी पे काम हो जाएगा लेकिन वही सब्जी पंद्रह दिन की पड़ी हुई तो पूरे कमरे में महक फैल जाएगी तो सबसे ज्यादा संवहन का जो गुण होगा वो किस में होगा गैस में

तो ये चीज ध्यान रखना राइट आंसर सिर्फ होता है द्रव से गैस ओके वो पड़ी हुई सब्जी बासने लग गई चलिए अगला थर्मस फ्लास्क में कोई तरह लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है आपने देखा होगा थर्मस होता है चाय वगैरह का उस थर्मस के अंदर कोई चीज बहुत लंबे समय तक रखी होती है तो क्योंकि इस वो सीधी सी बात है कि आप उसे लेके जाते हो दुकानदार इसका उपयोग करते हैं रोटी वाले बर्तन होते हैं ठंडे ही नहीं होते तो क्या चीज आती है बताइए बहुत बढ़िया ठीक है क्या उसमें राइट आंसर संचालन होगा क्या संवहन और विकिरण होगा ठीक है दोनों ए और बी होंगे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा या एक होगा मेरे दोस्त न तो बाहर जा सकती है न बाहर से अंदर आ सकती है किसी प्रकार की कोई चीजें वहां देखने को नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा दोनों हो जाएंगे ए और बी ये कोई भी काम वहां नहीं होते थर्मस के अंदर ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिलेगी ना तो संचालन होगा ना संवन होगा ना विकिरण होगा क्योंकि उसमें लेयर इतनी बना दी जाती है चलिए दोस्त इसी के साथ आज का यह सेशन कंप्लीट होता है मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं है ना भौतिक एक काम करो परिवर्तन कुछ परिवर्तन पड़ते हैं एक होता है भौतिक क्या होते हैं भौतिक फिजिकल चेंजेस जिनको बोलते हैं एक ही लैंग्वेज में लिख देते हैं है ना और एक होते हैं केमिकल है ना अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए दूध से दही बन गया कौन सा परिवर्तन कोई पूछे कि दही से घी बन गया बताओ कौन सा परिवर्तन कोई, सा परिवर्तन? कोई पूछ ले कि लोहे में जंग लगा लोहे में जंग लगा कौन सा परिवर्तन है ना इस तरह से पूछ ले कि बताओ फल का पकना कौन सा परिवर्तन कोई बोल दे बताओ कपूर का जलना कौन सा परिवर्तन कोई बोल दे गैस का जलना कौन सा परिवर्तन कल को आपको कोई बोल दे कि बताइए लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन कितने याद रखोगे कितने याद रखोगे और कितनों के जवाब दोगे है ना कल को फिजिकल में आपको ये बोल दे के बताओ कि बर्फ का पानी बन गया बर्फ का पानी बनना पानी का वाष्प बनना वाष्प का पानी बनना पानी का बर्फ बनना कपूर का उड़ना ओ टू का बर्फ बनना मोमबत्ती का पिघलना है ना कितने याद रखेंगे फलों का कटना है ना फलों के कटने पर लाल रंग आना भोजन का पकना भोजन का पचना मोमबत्ती का जलना कितने याद रखें कितने ही परिवर्तन है ऐसे हजारों परिवर्तन हैं। मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि इनको याद रखना बहुत आसान है दो चीजें इसमें होनी चाहिए एक गुण न बदले गुण न बदले दूसरा उसमें लूट सकें इन दोनों में से कोई एक चीज तो महत्वपूर्ण है है ना उसमें लूट सके और सबसे महत्वपूर्ण है गुण न बदले उस अवस्था में लूट सके और यहां पे होता है गुण बदल जाएं एवं उस अवस्था में न जाए चीज है मुख्य रूप से गुण बदलना मेरे दोस्त देखो कोई फल अगर कटा है कोई फल कट गया है तो मुझे एक चीज बताओ कि कटे हुए फल में पूरे फल में जो स्वाद आ रहा था वो कटे में आएगा कैसा आएगा तो फलों का कटना भौतिक परिवर्तन चाहे उस अवस्था में लौट पाओ या नहीं बर्फ का पानी बनना पानी का बर्फ बनना बर्फ का पानी बनना पानी का वाष्प बनना वाष्प का पानी बनना ये सब भौतिक परिवर्तन है पानी का टेस्ट नहीं बदलेगा ठीक है कपूर का उड़ना कपूर उड़ा है उड़े हुए कपूर को वापस कपूर बनाया जा सकता है लेकिन जले हुए को नहीं तो कपूर का जलना रासायनिक कपूर का उड़ना भौतिक कार्बन डाइऑक्साइड से बर्फ बनी ड्राई आइस और ड्राई आइस से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो भौतिक परिवर्तन मोमबत्ती का पिघलना पिघली हुई मोमबत्ती से वापस मोमबत्ती बन जाएगी लेकिन जली हुई मोमबत्ती से नहीं बनेगी तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक है ना और अगर फल का पकना रासायनिक पके हुए फल से कच्चा फल नहीं आएगा पके हुए फल से कच्चा फल नहीं आएगा है ना कपूर का जलना कपूर जला है उड़ा नहीं तो कपूर का उड़ना भौतिक कपूर का जलना रासायनिक लोहे में जंग लगना रासायनिक जंग लग गया लोहा सही नहीं होगा आप ठीक है लकड़ी का जलना लकड़ी जल गई है वापिस से नहीं पहले वो लकड़ी थी अब वो कार्बन है गुण बदल गए हैं कागज का जलना पहले कागज था अब वो जल गया है भोजन का पकना भोजन पहले कच्चा था पक गया है, गुण बदल गए हैं अच्छा लग रहा है खा लिया भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस है पक गया अब नहीं आएगा हट गया हूं ले लो स्क्रीन ले लो ठीक है चलिए तो ये ध्यान रखना यहां से प्रश्न आपके आते हैं एक बेटा आपकी लाइन सही है रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जो कभी फिर से न बने लेकिन दोस्त अगर ये लाइन आपने याद रख ली ना तो जब ये आ गया ना फलों का कटना कौन सा परिवर्तन है तो कटे हुए फल से वापस फल नहीं बनते मेरे दोस्त ये पॉइंट ध्यान रखना और फलों का कटना भौतिक परिवर्तन होता है लेकिन जैसे सेवफल को काट रहे हो कौन सा परिवर्तन अगर ये पूछा ना तो भौतिक है लेकिन कटे हुए सेवफल पर लाल रंग की धारी आना वो रासायनिक है तो इन चीजों को ध्यान रखना मेरे दोस्त चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कल मुलाकात करते हैं धन्यवाद